कर सकता हूँ तो आपकी भी। तो मैं 4 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ, लोगों को भी प्रेरित मैं कर रहा हूँ कि लोग आए, आयंस की मदद करें। और खासकर हम बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो इंजेक्शन आएगा उस इंजेक्शन को टैक्स फ्री करें ताकि मिडिल क्लास फैमिली को कुछ राहत मिले। ये बच्चा आयंस अब केवल हमारे घर का नहीं रहा, ये हर घर का आयंस बन चुका, इसलिए ये किया गया, ट्विटर ट्रेंडिंग चलाया गया। और बहुत जल्द हम लोग सड़कों पे भी आएंगे इस चीज़ के लिए, एक बच्चे का जान बचाने के लिए हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज एक बार फिर से हम आयंश के घर पर आ चुके हैं। आयंश को मैं दोबारा कहूँगी, किसी परिचय की अब ज़रूरत नहीं है, पूरा बिहार पूरा देश जानता है आयंश कौन है, उसे किस चीज़ की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और देश के बिहार के सारे लोग आगे बढ़ बढ़कर आयंश के लिए छोटी सी लेकर बड़ी रकम तक की डोनेशन दे रहे हैं ताकि उसका 16 करोड़ का जो इंजेक्शन है वो उसे मिल जाए। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत ऐसी अजीब सी बातें हैं कि लोग आगे आकर अपनी क्षमता से ज़्यादा आयंश के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस वक्त हम आपको बस यही दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से लोग आगे आकर आयंश को अपना सहयोग दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भी आप आश्चर्यचकित होने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ बैठा है इस वक्त एक छोटा सा बच्चा जो आप देख सकते हैं अपने हाथ में अपना पिगी बैंक लेकर आया है। इससे मैंने जब पूछा ये क्यों है तो इसने बताया ये आयंश की मदद के लिए है। सबसे पहले हम इसी से बात करेंगे, आपका नाम क्या है? हर्षिंग। आप ये बताइए कि आप ये पिगी बैंक क्यों लेकर आए हैं? आयंश की मदद करना है। आयंश की मदद करनी है आपको, ये किसने कहा? पापा। और आप कब से इसमें सेविंग्स कर रहे हैं? बहुत दिन से। तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि आपकी सेविंग्स किसी की हेल्प करेगी तो? नहीं। देख रहे हैं आप कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इस चीज़ को समझता है कि उसका जो पिगी बैंक है, उसकी जो छोटी सी अमाउंट कलेक्ट हुई होगी वो भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बगल में बैठे हैं इसके पापा, उनसे हम बात करते हैं कि कब से किस वक्त से वो आयंश के साथ खड़े हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, आयंश की मदद, सर आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहली बात जो है कि इंसान जो है वो सबसे पहले सोशल एनिमल है, तो सामाजिक परिदृश्य जो होता है, समाज की जो संरचना की गई है उसमें आपसी मतलब एक दूसरे की मदद करना, ये हम लोगों को सिखाया गया है। इसी दरमियान मुझे 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये मुझे पता चला है, तो मैं 4 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ, लोगों को भी प्रेरित मैं कर रहा हूँ कि लोग आए, आयंश की मदद करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रकम है जो किसी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली जो भी हैं उनके लिए ये बस की बात नहीं है। और सरकार से भी एक अनुरोध करते हैं कि जो इस पर जो एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस वगैरह कुल मिलाकर के करीब करीब और जो रकम है वो करोड़ों में जाती है, अगर सरकार ये रकम भी अगर टैक्स फ्री कर दे इस दवा को तो भी मतलब ये भी बहुत बड़ा मदद हो जाएगा सरकार के माध्यम से। कुछ वक्त पहले आप बता रहे थे कि जिस दिन आप पहली बार आयंश भेंट कर गए थे तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि ये पूरी घटना जो हो रही है, जो बीमारी है, क्या वो वाकई सच है? ये तो लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये जब मैंने फेसबुक पर डाला है, नागेश भाई ने डाला, बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया मुझसे कि भैया ये बताइए कि जो आप डाले हैं ये सही है, तो हम बोले कि जब हम खुद विजिट करके आए हैं इसकी सत्यता की मैं पुष्टि कर रहा हूँ, उसके उपरांत भी अगर लोग पूछते हैं तो ये उनका निजी सोच है, उस पर तो आप किसी को लगाम तो लगा नहीं सकते हैं। सर, आयंश की मदद करने का ख्याल आपको कब आया, आपको कैसे पता चला आयंश के बारे में? हमें कंचन भाई के माध्यम से 2 दिन पहले पता चला और उस दिन से ही हम सहयोग राशि जुटाने में लग गए हैं, ट्वीट किए हैं, फेसबुक पर डाले हैं और रिस्पांस भी मिल रहा है। किसी भी मिडिल फैमिली के लिए 16 करोड़ जुटाना उनके बस की बात नहीं है, हम आपके सहयोग से ही वो रकम जुटा सकते हैं। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो इंजेक्शन आएगा उस इंजेक्शन को टैक्स फ्री करें ताकि मिडिल क्लास फैमिली को कुछ राहत मिले। और भी जो पूरे हिंदुस्तान के वासी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें। आयंश की मदद करना, उसके लिए पैसे जुटाना, इस मुहिम में आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 1 वीक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ और जितनी भी जो सहायता हो सकती है इस परिवार को मेरे तरफ से मैं कर रहा हूँ, लोगों से मिलके, लोगों से बात करके। और सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि जितनी भी सहायता हो सकती है वो दे आयंश के पिता को, बिकॉज़ कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है,
और इतनी बड़ी अमाउंट एक मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्ड करना इम्पॉसिबल होता है। तो हम सब मिलकर अगर इस लक्ष्य को पाने का कोशिश करेंगे, उस छोटे से बच्चे की जान बचा पाएंगे, तो इससे बड़ी बात हम लोग के लिए कुछ नहीं होगी, हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं होगी। और ये मैसेज पूरे सोसाइटी को जाएगा कि किसी भी बच्चे की जान हम लोग बचा सकते हैं, पैसे के अभाव में कोई बच्चे की जान नहीं जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मुहिम है, हम सबको मिल के काम करना है, पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार के जनता को, और हमारे जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनको भी इसमें सहयोग उनसे अपेक्षित है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग मिलजुल कर इस मुहिम को सफल बनाएं और हमारा आयांस हमारे बीच में बहुत खुशहाल होकर रहे, ताकि किसी भी बच्चे को ऐसी तकलीफ आए तो फिर लोग उठ के खड़े हों और उनकी मदद करें। धन्यवाद। अब हम अगला माइक घुमाने वाले हैं आयांश के चाचा जी की तरफ, जिन्हें मैं कल से देख रही हूँ जब से हमारी टीम यहाँ पहुँची है कि एक टांग पर खड़े हैं। ट्विटर ट्रेंड कराना हो या लोगों से संपर्क करना हो, हर चीज़ का भार इन्होंने अपने कंधों पर उठा कर रखा है। सर, जो कोशिशें आप कर रहे हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही है? बिल्कुल कारगर साबित हो रही है। अगर कारगर साबित नहीं होती तो हम लोग 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाते। 3 दिनों में हम लोगों ने लक्ष्य 1 करोड़ का पार कर चुका है। अब हमारे पास 15 करोड़ चाहिए, जो हमें विश्वास है कि हमारा भाई लोग, हमारी बहन जो हैं, माता पिता, चाचा पिता, माई बहन जितने भी लोग हैं, सभी इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वो भोजपुरी कलाकार हो, नेतागण हो, युवा साथी जो भी हैं, वो लोग लगे हुए हैं और एक अथक प्रयास हमारा है जो चल रहा है और दिख रहा है लोगों के बीच में। इस ये बच्चा आयांश अब केवल हमारे घर का नहीं रहा, ये हर घर का आयांश बन चुका है। जिस तरीके से संघर्ष करें इनके माता पिता, और सबसे ज़्यादा संघर्ष वो बालक कर रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने ठाना है कि आयांश को बचाना है, और उसके बाद बहुत बढ़िया से इस चीज़ को हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं हर जगह, और आप लोग के माध्यम से भी प्रकाशित हो रहा है, तभी बहुत लोग आ रहे हैं। सबसे अच्छा संदेश है कि हमारे यहाँ के मिडिल क्लास के लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस मुहिम में। बड़े लोगों की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ के सैनिक, लेबर क्लास के लोग, वो लोग आगे बढ़ के बच्चे का मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल से इस बच्चे को अपना लिया है। कल आप लोगों ने ट्विटर पर भी आयांश के लिए एक ट्रेंड कराया था, जो शायद नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? आपको मैंने बताया भी था कि आप आइएगा संध्या 4 बजे, शायद आप नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश। यहाँ अपार्टमेंट के नीचे 250-250 युवा साथी हमारे पहुंचे हुए थे, और ट्विटर ट्रेंडिंग कराने के लिए उन्होंने लक्ष्य लिया था कि भैया हम लोग आज एनी हाउ इसे इंडिया में ट्विटर ट्रेंड नंबर 1 करवा देंगे। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोग 35 या 36 नंबर पर थे, 9, 9.5 होते होते हम लोग नंबर 1 पे चले गए। ये ताकत समझ सकती हैं हमारे यहाँ युवा पीढ़ी की, और ये युवा पीढ़ी मिलकर के इतिहास रचता है। तो युवा पीढ़ी ने कल दिखा दिया ट्विटर ट्रेंडिंग नंबर 1 करके, जिसके वजह से शायद आयांश का जो ये चीज़ है हर लोग देख पाए और लोग मदद करने के लिए आगे आ पाएँ, इसलिए ये किया गया, ट्विटर ट्रेंडिंग चलाया गया। और बहुत जल्द हम लोग सड़कों पर भी आएंगे इस चीज़ के लिए, एक बच्चे का जान बचाने के लिए हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। अब अंत में बस इतना ही लाइव सिटीज़ की पूरी टीम की तरफ से आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हर वर्ग के लोग आगे बढ़ बढ़ कर आयांश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, आयांश की जान बचाने के लिए, उसे इंजेक्शन दिलाने के लिए हर एक तरीके की मदद कर रहे हैं, उस तरीके से आप भी आएँ। आपके साथ लगातार हम डिटेल शेयर कर रहे हैं कि आप आयांश तक डोनेशन किस माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इस मुहिम को समझेंगे और इसमें अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।